हेलो, आपका ओनो स्टडी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हम लोग कल मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी। मैं हूँ स्वाति, जो आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊँगी। और बायोलॉजी पढ़ाने का मेरा जो उद्देश्य रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का क्वेश्चन, चाहे वो IAS का हो, PCS का हो, रेलवे, SSC, बैंकिंग, एनी अदर एग्ज़ाम्स, वो आपको क्रैक करने में जो है कोई परेशानी ना आए। इसलिए इसके लिए मैं बेसिक से अपर लेवल तक चलूँगी, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि आप लोगों को कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आने पाए। तो लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि हम लोग साइंस क्यों पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए? साइंस या इसके अलावा जैसे पॉलिटी पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो वो उन सब्जेक्ट्स को कंपटीशन के लिए लाने की ज़रूरत क्या थी? हम लोग जो एकेडमिक में पढ़ते हैं उनके थ्रू भी हम लोग पास हो सकते थे, या एक जनरलाइज करने की क्या ज़रूरत थी? तो मुझ जो मेरा अपना मानना है वो ये है, वैसे बहुत से लोग इस चीज़ को शायद समझते होंगे कि जनरलाइज करने की ज़रूरत इसलिए थी कि आप लोग जो है कोई भी स्पेशलिस्ट हो या ना हो, मान लीजिए कई फील्ड से लोग आते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं, कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं, कुछ इसके अलावा जो लोग कभी साइंस नहीं पढ़े होते हैं उनको भी साइंस पढ़नी होती है, जिन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ी होती उनको भी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़नी ही पड़ती है GS के सिलेबस में। तो बायोलॉजी क्या है? साइंस का एक छोटा सेगमेंट बायोलॉजी है। तो हमें क्यों पढ़नी पड़ती है बायोलॉजी? एक्चुअली जो हम लोग किसके लिए काम करते हैं, या जो भी कंप्यूटर हैं, जो भी आप जॉब्स में जा रहे हैं, तो काम किसके लिए करना है? उन लोगों के लिए जो अनअवेयर हैं, जिनको ज़रूरत है अवेयर करने की। और आप लोग मतलब एक जर्नलिस्ट होने चाहिए, जिसे छोटी छोटी हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जब आप जाएंगे फील्ड में या किसी भी जॉब में जाएंगे, मान लीजिए आप SI बन जाते हैं और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखना है, तो कुछ चीज़ों की आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मान लीजिए जैसे अभी कोविड का पेंडेमिक फैला हुआ था, तो पेंडेमिक में कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सब करना। तो ये सब चीज़ें ऐसा थोड़ी है कि कोई NGO ही करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम है बेसिकली। तो इसलिए ये सब्जेक्ट्स को जो है हम लोगों को पढ़ना होता है। तो अब मैं चलूँगी सीधे, हम ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए सीधे बायोलॉजी पे चलेंगे, बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर बायोलॉजी क्यों, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो बायोलॉजी का जो मतलब होता है वो होता है, बायोलॉजी एक्चुअली ना ग्रीक वर्ड बायो प्लस लोगोज से मिलके बना होता है, जिसमें बायो का मतलब होता है जीव या जीवन, और लोगोस का मतलब हो गया अध्ययन। यानी कि हम कह सकते हैं इसको मिला करके कि जीवन का अध्ययन। जीवन का अध्ययन या स्टडी ऑफ लाइफ। यानी कि जीवन का अध्ययन करना या स्टडी ऑफ लाइफ ही क्या है? बायोलॉजी है। अब वो बायोलॉजी में जैसे किसी जीवन में क्या हो सकता है कि कोई कीड़ा मकोड़ा हो, पेड़ पौधे हों, या फिर कोई मनुष्य, जानवर, जो भी जीवधारी हैं, उन सब का स्टडी करना ही क्या है? बायोलॉजी है। बायोलॉजी शब्द सबसे पहले जो है किसने दिया? बायोलॉजी वर्ड जो है दिया, वो दिया आपका लेमार्क एंड ट्रेवेरेनस ने। लेमार्क फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे और ट्रेवेरेनस जर्मन।
इसी तरह हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन हुआ? अरिस्टोटल। लेकिन बायोलॉजी को हम वही स्टडी को इजी करने के लिए टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जूलॉजी एंड बॉटनी। अरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। वहीं फादर ऑफ बॉटनी कौन है? थियोफ्रेस्टस। ये कौन है? फादर ऑफ बॉटनी। अच्छा, हमने ये तो जाना कि कौन फादर ऑफ बॉटनी है, कौन फादर ऑफ जूलॉजी है, कौन फादर ऑफ बायोलॉजी है, लेकिन और प्लांट एंड जंतुओं का जो है स्टडी है बायोलॉजी। लेकिन हमें ये भी जानना होगा ना कि जैसे जीवधारियों का अध्ययन हम करते हैं बायोलॉजी में, तो हम ये तो ये भी जानेंगे कि व्हाट इज जीवधारी। व्हाट इज लिविंग या लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी स्टडी हमको बायोलॉजी में करनी है। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, या लाइफ, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हम 100% आप कहें कि इसको डिफाइन कर लेंगे, तो हम 100% इसको वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इनके कुछ करेक्टर्स होते हैं। जिनके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो करेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? वो करेक्टर आपका हो सकता है जैसे मोशन, ग्रोथ, रेस्पायरेशन, मोशन, ग्रोथ, रेस्पायरेशन एंड न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एट्सेट्रा। ये सब क्या है? जीवधारियों के लक्षण है, जिसके आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो है ऑर्गेनिज्म है, और इसका बायो ऑर्गेनिज्म है, और इसका जो है इस बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसमें मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि जीवधारियों के कुछ लक्षण होते हैं। हम 100% इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन जीवधारी है, किस बेसिस पे आप जीवधारी कहेंगे उसे, लेकिन फिर भी जीवधारियों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे मोशन, ग्रोथ, रिस्पायरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। तो ये सब के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये जो है जीवधारी है, और जीवधारियों की स्टडी जो है बायोलॉजी है।
अब हम आएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि जीवधारियों के अध्ययन बायोलॉजी कहलाती है, और बायोलॉजी में जो है जीवधारियों के कुछ एक विशेष करेक्टर होते हैं, कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जीवधारी है। तो लेकिन अब इन जीवधारियों को स्टडी करने के लिए, अध्ययन करने के लिए कुछ ईजी करना ज़रूरी होगा। तो हमने क्या किया, मतलब हमने नहीं, जो हमारे साइंटिस्ट रहे हैं उन्होंने इसको ईजी करने के लिए इनको क्लास में बांटा, इनका क्लासिफिकेशन किया। तो अब ऑर्गेनिज्म तो मिलियंस में है, करोड़ों में है, लाखों में है, क्या सबका स्टडी संभव है? नहीं है संभव। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि लिनियस ने इसको सबसे पहले इसका डिवीजन सबसे पहले किसने किया? लिनियस ने। तो लिनियस ने किस में लिनियस ने ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया। वो टू पार्ट्स कौन कौन से थे? वो थे प्लांटी, एंड एनिमलिया। प्लांटी यानी कि पेड़ पौधों से रिलेटेड अध्ययन, इसमें जीव जंतुओं का, जीव जंतु में तो पेड़ पौधे। एनिमिलिया किंगडम, यानी कि लिनियस ने जो है इसको ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, किस लिए? इसकी स्टडी को इजी बनाने के लिए। तो स्टडी को इजी बनाने के लिए प्लांटी और एनिमिलिया में किया। एनिमिलिया में जो है जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और प्लांटी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे कि जिनके करेक्ट जिसमें जो है दोनों के करेक्टर पाए जाते थे, प्लांट के भी और एनिमिलिया के, जस्ट लाइक यूगलिना, कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस ऐसे थे कि जिनको जो है दोनों के करेक्टर पाए जाते थे। तब उन्होंने सोचा कि कैसे किया जाए इसको। तब इसको इजी करने के लिए जो है फाइव किंगडम्स क्लासिफिकेशन किया गया। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? विटकर ने। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसका था? विटकर का। में तो इन्होंने जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किस लिए दिया? क्योंकि प्लांटी और एनिमिलिया में थोड़ी सी जटिलताएं आ रही थी क्लासिफिकेशन में, कि कुछ जीव ऐसे थे जो दोनों में ही आ रहे थे, जो प्लांटी में भी आ रहे थे, एनिमिलिया में आ रहे थे, इनकी स्टडी किस में की जाए। तब इन्होंने विटकर ने जो है इसको ईजी बनाने के लिए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। और उसमें वो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या था वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले था आपका मोनेरा,
दूसरा था प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंजाई एंड फोर्थ वन इज आपका प्लांटी एंड एनिमिलिया। ये फाइव वे कौन कौन सा हुआ? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो सबसे पहले हम मोनेरा को देखेंगे। अच्छा मैं एक चीज़ वो देखूंगी कि मतलब इसके अलावा कि दोनों एनिमिलिया और प्लांट्स को दोनों को ही क्रॉस करने की वजह से तो ये किया ही गया था, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मापदंड थे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फाइलोजेनेटिक रिलेशन। ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं उन ऑर्गेनिज्म पाए जाने वाले कि जिनके आधार इनके आधार पर भी जो है इनका क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी हो गया था। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोनेरा को, मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम के लक्षण क्या होते हैं? तो जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं, यानी कि ऑल प्रोकैरियोटिक, कि सभी प्रोकैरियोटिक जीव मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। उसी तरीके से जैसे इसमें बैक्टीरियाज जिसमें साइनोबैक्टीरिया आर्कियोबैक्टीरिया और आपके जो है लेमेंटोस फिलामेंटस बैक्टीरियाज, ये सभी जो है मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। और प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं? व्हाट इज प्रोकैरियोटिक्स? तो प्रोकैरियोटिक यानी कि जितने भी माइक्रोस्कोप ऑल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्रोकैरियोटिक्स में रखते हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्रोटिस्टा की तरफ। पहला हमने पढ़ा मोनेरा और दूसरा जो हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या होता है? यूनिसेलुलर या एक कोशीय जीव। एक कोशीय जीव या यूनिसेलुलर जीव ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। इनका मेन करेक्टर जो है, सभी जो है इनका एक कोशीय जीवों का एक्वेटिक हैबिटेट होता है, यानी कि पानी के अंदर। ज़्यादातर जो माइक्रो ये जो जितने भी एक कोशीय जीव या यूनिसेलुलर जो हैं वो पानी के अंदर पाए जाते हैं। पानी के अंदर जैसे कुछ मॉइस्ट जो मॉइस्ट सॉइल होती है उसमें भी होते हैं, पानी में होते हैं, झील तालाब समुद्र में। और इनको हम जो है थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इनके न्यूट्रिशन के बेस पे। तो वो जैसे इनका होता है और कुछ इसमें ऑटोट्रॉपिक होते हैं, जिन्हें स्वपोषी बोलते हैं, यानी कि ये अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। वहीं कुछ जो है पैरासाइटिक और सेप्रोफाइट। परजीवी। और वहीं कुछ होते हैं सेप्रोफाइट्स। इनको सहजीवी बोलते हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, स्वपोषी जो होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं वो दूसरों से अपना भोजन या न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो सहजीवी होते हैं। जैसे दोनों एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में या दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, दोनों एक दूसरे से फ़ायदा उठाते हैं, ये होते हैं सेप्रोफाइट्स। जैसे इसका सेप्रोफाइट का जो एग्जाम्पल पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि युगलीना जो है, युगलीना इसका एक आइडियल एग्जाम्पल है। अब हम थर्ड वन पे आएंगे, फंगी पे या फंजाई। तो अब फंजाई जो है क्या है? नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और ये मोस्टली सेप्रोफाइट्स होते हैं। जिनका एग्जाम्पल जैसे म्यूकर होता है, मशरूम होता है जो हम लोग खाने में भी यूज़ करते हैं। ये सेप्रोफाइट कैसे होते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर जो है डेड या डिके जो हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, उन पर डिपेंड करते हैं। अब वो डिके ऑर्गेनिज्म में जो है आपके सड़े रॉटेन प्लांट्स भी हो सकते हैं, सड़े गले, है ना, कुछ बॉडीज भी हो सकती हैं सड़ी गली, वो चाहे जानवरों की हो या
मतलब पेड़ उसकी पेड़ पौधों की मतलब कोई भी जो सड़ा गला या डिकिंग एलिमेंट्स होगा उस पे इनका जीवन या इनका न्यूट्रिशन डिपेंड करता है। अब हम फोर्थ किंगडम प्लांटी डिस्कस करेंगे। प्लांटी में जैसे कि प्लांटी से नेम आपका क्लियर है कि पेड़ पौधे, तो इसमें जो है सभी प्लांट्स आ जाते हैं। प्लांटी किंगडम के अंतर्गत इसमें ऑल प्लांट्स में आपका जो है एल्गी, फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ऑल्सो। मतलब मोनेरा और प्रोटिस्टा भी जो है प्लांटी उसमें आ जाते हैं। अब हम देखेंगे फिफ्थ किंगडम, लास्ट वन। लास्ट वन इज एनिमलिया। एनिमलिया में जो है ऑल एनिमल्स, इनकी सभी जंतु, सभी प्रकार के जंतु जो हैं वो आपके एनिमिलिया के अंदर आ जाते हैं। केवल लेकिन इसमें जो है प्रोटोजोआ को हम शामिल नहीं करेंगे। ये इसमें नहीं होगा एनिमिलिया में। केवल ऑल एनिमल्स होंगे लेकिन प्रोटोजोअन्स जो होंगे वो एनिमिलिया में नहीं शामिल होंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि जो व्हिटकर ने फाइव किंगडम्स डिफाइन किए थे क्लासिफिकेशन के, वो हमने देखा कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। अब हम देखेंगे कि ये फाइव किंगडम्स तो हो गए, लेकिन फाइव किंगडम्स को एक इंटरनेशनल पहचान देने के लिए कोई और चीज़ भी होनी चाहिए उसको ईजी करने के लिए। तो इसके लिए जो है बायनोमियल नोमनक्लेचर लाया गया। तो नोमनक्लेचर क्या था कि एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी के लिए। जिससे आप लोगों ने जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं या कहीं देखते हैं कि हिंदी या इंग्लिश आती ही है मोस्ट ऑफ कॉम्पिटिशन्स में, अब तो सी सेट होने लगा है तो वहाँ हिंदी और इंग्लिश जो है कहीं कहीं कंपलसरी है। तो वहाँ देखते होंगे आपके सिनोनियम्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं कोई पेड़ है तो पेड़ को कहीं गाछ बोलते हैं, कहीं पर जो है आपके पेड़ को वृक्ष बोलते हैं। तो इसी तरीके से अलग अलग रीजन में किसी भी एक चीज़ का नाम कई सारे हो सकते हैं, लेकिन एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी उसकी कैसे बनेगी? क्योंकि उसका एक कॉमन नेम होना चाहिए जिस नाम से पूरे वर्ल्ड में उसको जाना जाए। तो वो उसकी ये इंटरनेशनल आइडेंटिटी के लिए क्या किया कि जो है इन्होंने एक दो प्रॉपर नाम के आधार पर वो दो प्रॉपर नेम्स कौन से थे? जीन्स
या जीनस एंड स्पीशीज। स्पीशीज हमेशा जो है स्मॉल लेटर में लिखा जाता है और जीन्स जो है हमेशा जीनस को जो है हमेशा कैपिटल लेटर्स में डिनोट करते हैं। जीन्स जो है हमारे जीन को डिफाइन करता है। जैसे हाँ ह्यूमन है, ह्यूमन का नाम क्या है, होमो सेपियंस है, तो होमो क्या है इसमें हमारा जीन है, और वहीं स्पीशीज क्या है सेपियंस। इसी तरह जैसे फ्रॉग का जूलॉजिकल नेम या इंटरनेशनल आइडेंटिटी क्या है, राना टिग्रीना। ये क्या है इसका इंटरनेशनल नेम है, राना टिग्रीना के नाम से, मतलब ऑल वर्ल्ड में किसी फ्रॉग को कैसे जाना जाएगा, राना टिग्रीना के नाम से। किसी ह्यूमन जो स्पीशीज को किस नाम से जाना जाएगा, होमो सेपियंस के नाम से। तो ये हमारा हुआ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। उसमें हमारी स्पीशीज क्या है, बेसिक यूनिट। ये हिल दिस वन ना, हाँ भी लिखना था। ओके ओके हम फिर से रिपीट करेंगे कि स्पीशीज क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ नोमेनक्लेचर। वही अपर यूनिट ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है, वो होगा किंगडम। यानी कि स्पीशीज को जो है एक बेसिक यूनिट मान के चलते हैं हम क्लासिफिकेशन के लिए, या और वहीं जो है किंगडम जो है अपर यूनिट है क्लासिफिकेशन के, किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और मैं एक बार फिर से जो है रिपीट करूंगी आपको कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन, कि बायोलॉजी किन दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लोगोस किसने दिया, ट्रेविडेनस एंड लैमार्क ने दिया सबसे पहले इस शब्द को। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि बायोलॉजी जो है ये उसका स्टडी को ईजी करने के लिए सबसे पहले जो है लीनियस ने उसको क्लासीफाई किया टू पार्ट्स में, प्लांटियन एनिमिलिया में, और जब उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी तो फिर उसके बाद विटकर ने जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जैसे मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजी एंड प्लांटी एंड एनिमिलिया। और उसके बाद जो है हमने देखा कि उसको और थोड़ा इजी करने के लिए, एक बेसिक यूनिट लाने के लिए स्पीशीज और जीन्स में एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। थैंक यू।